वेलकम टू द रिएक्शन वीडियो। मैं हूं असली बी आर पाकिस्तानी रैपर। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सिद्धू मूसे वाले के मेरा ना सॉन्ग पे, जो के अभी तक का सिद्धू का लेटेस्ट सॉन्ग चल रहा है। उसके बाद अभी ट्यून मेन ने गाना निकाला जो कि सिद्धू के पिंड में जाके निकाला था, और मैं अभी मेरा ना पे रिएक्ट करने लगा हूं क्योंकि मैंने अभी तक इस गाने पे रिएक्ट नहीं किया बिल्कुल। मैंने जब ये गाना रिलीज हुआ था उस टाइम थोड़ा सा सुना था, तो अभी मैंने कहा प्रॉपर इस पे रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमारे लास्ट जो ट्यून विन वाला हमने रिएक्ट किया उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप सबकी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस। सिद्धू आर भी यार बहुत हार्ड कोर, और मैं कहता हूँ सिद्धू के चाहने वाले सारे ही सिद्धू के चाहने वाले हैं कसम से। लिटरली कोई ऐसा नहीं है कि जो कहता हो कि यार नहीं यार सिद्धू बस ऐसा नहीं है। मैंने किसी के मुंह से नहीं आज तक सुना गया इस तरह, क्योंकि भाई वाकई बात यह ना कि लेजेंड जो होता है ना वो रूल करता है पूरी दुनिया पे। खैर सिद्धू ने वाकई अपना बताया कि यार पंजाबी किधर तक पहुंच गए हैं, किधर तक सिद्धू ने पहुंचा दिया पंजाबियों को, जिस तरह वो ट्यून वेन उनके पिंड में आया और उस तरह उसके एक सिद्धू के दोस्त ने ब्लॉग भी डाला ट्यून वेन के साथ लाइक। तो वो कह रहा था कि सिद्धू की हर एक एक बात जो है वो सच हुई है लाइक, जैसे वो कहता था कि गोरे काले अमरीका तक नहीं वेख ना बजता उन, तो वो सारा कुछ ना अब फील होता है कि नहीं वाकई यार सिद्धू ने। अब ये देखें ये गाना सिद्धू का मेरा ना फिट बर्ना बॉय एंड स्टील बैंगल्स इंटरनेशनल शिट ब्रो, बहुत ऊपर की चीज यार सिद्धू बिग फैन। खैर शुरू करते हैं सिद्धू का गाना बगैर किसी वेट के। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा म्यूजिक सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो शुरू करते हैं। इतना कैची हुक है, इतना कैची हुक है, ये हो ही नहीं सकता सिद्धू का गाना और हुक कैची ना हो। पर पूरा पूरा गाना लोगों को याद हो जाता है हुक क्या चीज़ है, बट इस गाने में हुक प्रॉपर एक ना मतलब छोटा सा हुक है मेरा नाम मेरा ना। और देखें आप गाना सिद्धू के मरने के बाद इस तरह का गाना बना हुआ है कि लाइक ऐसे लग रहा है कि वाकई उसने जाना था और ये गाना तब रिलीज होना था, और मेरा नाम हर जगह लिए हर था। तो अब देखें किस तरह एक मतलब इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये सिद्धू के साथ यार लाइक बिग शिट। देखें यार ये सारा पिंड है ना सिद्धू का, कितना छोटा सा एरिया यार, कितना छोटा सा देखें एरिया, और पूरी दुनिया पे उसने फैला दिया अपने इस पिंड को, मूसे पिंड को पूरी दुनिया जानती है आज लाइक। इंटरनेशनल लोग आके विजिट कर रहे हैं, ड्रेक जैसे बंदे उसकी टी शर्ट पहन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज कर गया। यार ये बीट कितनी प्यारी यार चल रही है पीछे के, वो एक पूरी एक मतलब ना वाइब दे रही है एक, जैसे ना एक किसी चीज में बंदा मदहोश नहीं होता है, ऐसे दूर से कोई चीज म्यूजिक चल रहा होता है जैसे बांसुरी चल रही है और उसके ऊपर गुनगुना रहा है कोई, लाइक एक फील है वाइब है एक प्रॉपर उसकी डेप्थ है, मजा आ रहा है। Literally guys, जटदानी तोड़। अच्छा ये विराट कोहली है, ओके ब्रो बिग शिट, तेरे जटदानी तोड़ अच्छा ये जो सिद्धू ने थापी मारी थी मुझे लगता है ये लाइक जब करण ओजला के साथ आई थिंक बीफ थी सिद्धू की, ये तब इसने थापी मारी थी और मतलब करण ओजला की और इसकी जब बीफ चल रही थी। और देखें यार मुझे लाइक इंसानियत के नाते लोगों में एक स्टेज बीफ चलती है, रैपर्स में चलती है, हर किसी के में दोस्तों में या किसी में भी एक दूसरे के ऑपोजिट जो होते हैं बीफ चलती है, लड़ाइयाँ होती हैं और स्टेज में एक दूसरे को बुरा भला भी कह देते हैं। बट देखें सिद्धू के जाने के बाद करण ओजला ने कोई ऐसी बात नहीं की या कोई, बल्कि उसके लिए एक गाना भी वो माँ के लिए जो कह रहे थे करण ओजला ने निकाला, और इतना अच्छा करण ओजला ने मतलब बिहेव किया कि नहीं यार एक इंसानियत का कत्ल जो है ना वो बहुत ही लाइक, हमारे दीन में तो कहते हैं कि इंसानियत एक इंसान का जानबूझ के गलत कत्ल करे ना तो वो सारी इंसानियत का कत्ल है लाइक। तो आप देखें ये यार करण ओजला भी बिल्कुल उसके वो कहता कि नहीं यार ये गलत हो रहा है।
देखें यार, बच्चा बच्चा सिद्धू बनने की कोशिश कर रहा है कि लाइक, और ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाला हो सिद्धू ने आके। सिद्धू के लिरिक्स, गाने और उसकी जो मोटिवेशनल इंटरव्यूज जितने भी हुए हैं, वो अब तो उसके जाने के बाद टिकटॉक पे, रील्स पे इतने वायरल हुए हैं, इतने वायरल हुए हैं कि उसके कोट्स बने हुए हैं इंटरव्यूज के छोटे छोटे, और इतने इंस्पायरेशन मोटिवेशन मिलती है ना लोगों को उससे कि लाइक, अब ऐसे लगता है कि उसके इंटरव्यूज के उठा के बंदा पता नहीं कितने कितने गाने बनाते हैं यार, लिटरली। यार देखें यार, ये मुझे लगता है ये वही है, ये पढ़ना बॉय, वो जिसने अपने स्टेज शो पे ना परफॉर्मेंस के दौरान थापी मार के इस तरह लाइक रिएक्ट किया था लाइक, ये मुझे लगता है पढ़ना बॉय वही है। मुझे नहीं पता लाइक, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वही है मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है यार, इतने इंटरनेशनल शिट है ब्रो। पंजाबी बुलवा दिया उनको। यार कसम से इतना मिस करते हैं सिद्धू को, अभी तो इंडिया में उसने उस तरह लाइक अभी नहीं, जैसे ही अपने पिंड जाता था आवाम देखें किस तरह इकट्ठी हो जाती थी। और अभी एक इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा सिद्धू लाइव आया हुआ था, तो पाकिस्तान से किसी ने कमेंट वगैरह किया था, तो सिद्धू कह रहा था कि पाकिस्तान का भी हम टूर करेंगे फ्यूचर में, फुल प्लान है मेरा कि पाकिस्तान आने का। तो यार देखें यार, मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो चलो हम एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, बट जो इंटरनेशनल्स हैं वो पागल हुए पड़े हैं यार इसके गानों के पीछे। आप ये देखें कि कितना बड़ा चेंज लेके आया यार। यार ये मैंने देखा था, ये जो ये सारा शो था ना, ये मेरा ख्याल कौन था, AK-47 गाना था जिसमें, शायद उसमें वर्स था या कौन सा गाना था, स्टील बैंगल्स का गाना था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, बट उसमें ये ना गाना जो ऑडियंस ने सिद्धू के मरने के बाद कुछ अरसे के बाद ये शो हुआ था उसका, तो उसमें जो है ना सब ने गाना जो है गाया था, जितनी भी ऑडियंस थी सब ने, और वो गूज बम्स वाला टाइम था, सब ने, ये रील इतनी फेमस हुई थी टिकटॉक पे, वीडियो इतनी वायरल हुई थी, ये वही वीडियो है जो इन्होंने डाली हुई है इसमें। वो वक्त यार जब लाइक सिद्धू का पता लगा कि सिद्धू का कत्ल हो गया, तो लाइक उस टाइम तो मैं कहता हूँ हर बंदा ना सैड हो गया था लाइक, मैं खुद बहुत एकदम धचका नहीं जैसे लगता वैसा फील हुआ था। ये चीज देखा स्टार्ट होगा, ट्रेक ने भी शर्ट पहनी सिद्धू की, सिद्धू के जाने के बाद। अभी तो यार बहुत बड़ा, बहुत चीजें होनी थी अभी सिद्धू के, सिद्धू ने बहुत कुछ करना था, अभी गलत हुआ है। यार देखें ऐसे लाइक ना, इन्होंने जिस तरह, अब वो स्लो स्लो ट्रैक्टर चलाया हुआ है लाइक, ऐसे लाइक लग रहा है जैसे ना मतलब यहाँ पे वो है, इस जगह पे बैठा हुआ है वो, और वो चला रहा है उसको। कैसा बंदा था यार, इतना हिट होके इतना कामयाब होके सब कुछ जो वो चाहता था वो कर सकता था, जहाँ पे रहना चाहता था रह सकता था, बट उसने अपने पिंड को ही सिलेक्ट किया कि मैंने इधर ही रहना, उधर ही अपनी हवेली बनाई है, और लाइक जब घर आता था अपने खेतों में वो खेती बाड़ी कर रहा है, तो ट्रैक्टर के साथ सारा कुछ हल वगैरह चला रहा है। तो देखें कि अपने ही लोग किस तरह इंसान पर जुल्म करते हैं, उसको ही आगे नहीं बढ़ने देते, इतनी जेलसी है इंसान के अंदर कि दूसरा कामयाब हो क्यों गया।
जस्टिस फॉर सिद्धू। और देखें उसके माँ बाप कितना कुछ उन्होंने करके देख लिया, इतना अदालतों के चक्कर और गवर्नमेंट के पीछे पढ़ पढ़ के कुछ करो, बट अभी तक देखें जस्टिस नहीं मिल सका। ये हमारे हालात हैं हम लोगों के, क्या ही बोला जाए यार। गेम चेंजर, गेम चेंजर। देखें यार ये कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अच्छा लगा यार। मिस करते हैं सिद्धू को, सभी मिस करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सिद्धू को मिस ना करता हो अभी तक। स्टिल बस अभी जितने भी गाने हैं सिद्धू के जो रह गए हैं वो आएंगे, सुना करेंगे, देखेंगे जो है सिद्धू। वैसे बहुत ज़्यादा ही गाने डाल दिए, कुछ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल थोड़े गाने हो, सिद्धू के काफ़ी गाने हैं और ऐसे गाने हैं कि बस बंदा ये नहीं कहता कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ सिद्धू का गाना सुन के। लाइक तो खैर जो रह गए हैं गाने उसके जाने के बाद बस वही सुनेंगे अब जो आएंगे। तो खैर थैंक यू सो मच देखने के लिए रिएक्शन हमारा इस गाने पे, क्योंकि ये लेटेस्ट सॉन्ग था अभी तक का सिद्धू का जिसपे मैंने रिएक्ट करना था, क्योंकि अभी तक मैंने सिद्धू के किसी गाने पे रिएक्ट नहीं किया। तो ये पहला ही गाना है जिसपे मैं सिद्धू के गाने पे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो आगे आगे आप कमेंट में बताएं किस गाने पे सिद्धू के रिएक्ट करें, क्योंकि मेमोरीज जो है ना वो मेमोरीज के बिना पे तो हम उस चीज़ को हम रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाने तो सारे सुने ही हुए हैं रिपीट पे सिद्धू के। खैर अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। मेरा म्यूजिक सुनना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच, लव यू, पीस, बाय बाय।